मध्य पूर्व में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव कम करने के दिए संकेत, कहा ईरानी हमले में किसी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं। तेहरान पर नए प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान, परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने की दी चेतावनी। ईरान के साथ तनाव कम करने के संकेत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अमेरिकी शेयर बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी क्षेत्र में तैनात किए युद्ध पोत। आम बजट से पहले नीति आयोग में विशेषज्ञों के साथ आज होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास को गति देने के लिए आर्थिक नीति की रूपरेखा पर होगी चर्चा। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत भी लेंगे हिस्सा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता और कुलपति विद्युत चक्रवर्ती बनाए गए बंधक। वाम छात्र संगठनों का घेराव खत्म होने के बाद देर रात कैंपस से निकले। सीएए पर लेक्चर देने गए स्वपन दास गुप्ता ने बताई आप बीती। बीजेपी ने हालात पर जताई गंभीर चिंता। बारिश और बर्फबारी के बाद फिर शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी। नैनीताल अल्मोड़ा में स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ों पर बिछी बर्फ।